नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एसपी बस्ती हेमराज मीना के नेतृत्व में बस्ती स्वाट टीम के 30 घंटों में मिली बड़ी सफलता। 30 घंटे के अंदर 13 हत्याकांड का किया पर्दाफाश। 9 जनवरी को बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में आलू व्यापारी मोहम्मद असलम, ट्रक ड्राइवर सोनू मौर्य और राजकुमार गौतम की हत्या कर फेंकी गई थी लाश। पुलिस ने हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कर लग गई थी हत्यारों की तलाश में। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या करने वाले अजीत सिंह उर्फ कल्लू, अरुण कुमार यादव उर्फ गोलू, शील कुमार मौर्य उर्फ शीलू को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने सब इंस्पेक्टर श्याम मोहन त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह, स्वाट टीम के मानिंद्र चंद्र सिंह, मनोज रॉय, महेंद्र यादव, रमेश गुप्ता, देवेंद्र निषाद, अभिषेक तिवारी, रविशंकर शाह रहे शामिल। सर्विलांस सेल के अनिल कुमार, संतोष यादव, जनार्दन प्रजापति, सर्वेश नायक भी रहे शामिल। छावनी क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर की जो घटना हुई थी उसका सफल अनावरण बस्ती जनपद की पुलिस ने कर लिया है और इस घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इस घटना के पीछे 2 कारण थे। एक तो आपस की रंजिश और दूसरी पैसे लूटने का मोटिव। इन 2 कारणों से ये घटना हुई थी और ये घटना मृतक के साथियों ने ही जो है किया था। उन्होंने ही गाड़ी से ओवरटेक करके उनको रोका और सबसे पहले हेल्पर जो गाड़ी चला रहा था सोनू नाम का, उसको गाड़ी से खींच करके उसकी हत्या उन्होंने किया और फिर गाड़ी के अंदर सो रहे अढ़तिया व्यापारी और राजकुमार गौतम जो ड्राइवर था उसकी हत्या उन्होंने किया था। पैसे लेकर के भी वो गए हैं और उस पैसे की बरामदगी के लिए हमारी टीम गई हुई है। लगभग 6.5 लाख रुपए इनके द्वारा बताए गए हैं।